Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. तो SSC Tech Entry में SSB Centers allot हो चुके हैं. अब problem कहाँ पे आती है? जितने भी बच्चों ने मेरे पास फोन किया है सबको मेजरली कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैं कलेक्टिव आंसर आज यहाँ पे इस सेशन के थ्रू करने वाली हूँ. सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम की. फिर दूसरी प्रॉब्लम मेजरली आई है कि हम प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें अगर हमें कोई आइडिया नहीं है कि SSB की प्रिपरेशन कैसे होती है या SSB टेस्ट कैसे होता है. साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने SSB पहले फेस कर लिया है लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं. तो आप सब भी इस सेशन को ज़रूर देख सकते हैं, ये सेशन आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, आपके कॉल अप लेटर्स आपको रिसीव हो चुके हैं. जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने कॉल अप लेटर्स को डाउनलोड नहीं किया है तो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए. वहाँ डाउनलोड सेक्शन में आपको सेंटर वाइज आपकी एंट्री के नाम से आपको कॉल अप लेटर मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद कॉल अप लेटर में कुछ अपेंडिक्स फॉर्म्स हैं एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं. इंस्ट्रक्शंस को आप गो थ्रू कर सकते हैं मैनुअली, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं, क्या ड्रेस कोड है, सारी चीज़ें वो आपको उस कॉल अप लेटर में अवेलेबल मिल जाएंगी. वहीं मैं बात करूँ कुछ अपेंडिक्स फॉर्म की या एफिडेविट्स की, तो उसके फॉर्मैट्स बेसिकली उन फॉर्म्स में ऑलरेडी कवर्ड हैं. अब डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल 10th में आपकी नेम की कोई मिस्टेक हो गई, 12th में नेम आपने चेंज कर लिया है, पेरेंट्स का नेम गलत है, या कोई भी दिक्कत अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा. नाउ एफिडेविट बनवाने के लिए आपको सीधे जाना है कोर्ट में या उस जगह जहाँ पे लीगल प्रोसेसेस होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस होते हैं. जैसे ही आप जाएंगे आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बतानी है, दैट मे बी आपका अगर नाम नहीं सही है तो आप कहेंगे कि मेरा नाम नहीं सही है, एंड सामने वाला जो भी पर्सन होगा, जो लीगल पर्सन होगा, वो आपको उससे रिलेटेड स्टैम्प पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी दे देगा. तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, अननेसेसरी टेंशन या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट पार्ट क्लियर. इसमें एक और मेजर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, अपियरिंग कैंडिडेट्स को लेके. तो अपियरिंग कैंडिडेट्स को लेके भी ऑलरेडी कॉल अप लेटर में डेट लिखी होगी कि फाइनल डिग्री या फाइनल मार्कशीट कब तक चाहिए. आप उसको देख लीजिए, अगर आपको तब तक अपनी फाइनल मार्कशीट, फाइनल डिग्री कॉलेज से मिल जाएगी तो आप इस एलिजिबल हैं एंट्री के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं इस एंट्री के लिए. ठीक है, तो वो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अप्रोच करना पड़ेगा. नाउ अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की. दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, टाइम कम है, क्योंकि डेट की अलॉटमेंट्स, जैसे मैं शुरू से ही बताती हूँ कि अगर आपके पास जब टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, जब आप फॉर्म भरते हैं तभी आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. नाउ अगर आपने नहीं किया है तो अब डेट्स अलॉट हो गई हैं, अब ये बातें सोचने का कोई फायदा नहीं, अब हमें डिसाइड करना है कि अब हमें करना क्या है. तो जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सिलेक्शन सेंटर में जाना चाहिए, क्या हमें SSB देने जाना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, क्या हमें SSB के लिए कोचिंग्स करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट कोचिंग है, ऑनलाइन प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं. तो ये सारे सवालों के जवाब मैं एक एक करके देती हूँ. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ SSB जाने की, तो यस, आप सबको अपने SSB अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी लकी हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट शॉर्टलिस्टेड, क्योंकि हर बार सिचुएशंस चेंज होते हैं, सिनेरियोस चेंज होते हैं, सो यू नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. सो ये सेकेंड थॉट तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि यू शुड नॉट गो, ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी कैंडिडेट, भले ही आपने कोई प्रिपरेशन करी हो या ना करी हो, बट डोंट गिव अ सेकेंड थॉट ऑन गोइंग टू SSB इंटरव्यू, क्योंकि आप जाएंगे तो आप कुछ सीख के ही आएंगे. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कि SSB प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, हम कितने टाइम में इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं. देखिए, जो भी अब आपका टाइम है, ये प्रिपरेशन 1 हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन, आपके पास जितना टाइम फ्रेम है, आप जितना बेटर से बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट होगा. आई एम श्योर कि ज़्यादा टाइम अच्छा होता है प्रैक्टिस के लिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी ये क्वेश्चन फिर आपको नहीं करना चाहिए. एंड जितना टाइम आप दे सकें अपनी प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम अच्छा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 1 वीक है प्रिपरेशन के लिए, तो वो 1 वीक में डेडिकेटेड मैनर में प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो एक वीक में आप क्या कर सकते हैं, 1 वीक में आप बेसिक टेस्ट के ओवरव्यू ले सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, यानी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए. सेम गोज फॉर अदर डेज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 15 दिन की प्रिपरेशन रहती है या 1 महीने बाद आपकी डेट्स आई हैं, तो उस हिसाब से
आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको SSB जाने से पहले शुरू कर देनी चाहिए या जब आपकी डेट्स आ चुकी हैं अब भी, क्योंकि अभी डेट्स बैचेस स्टार्ट होंगे, तो अब आपको ये करना होगा कि एटलीस्ट अपने फिजिकल पे काम करना शुरू कर देना चाहिए. वो कैब इज समथिंग जिस पे आपको काम करना शुरू करना चाहिए. फिर ये क्वेश्चन आता है कैंडिडेट से कि क्या इंग्लिश बोलना मैंडेटरी है, तो येस, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं डिफेंस जो है इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है एंड इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड. हाउएवर आप अलाउ किए जाते हैं हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली सूटेबल यही रहेगा, अगर आपको स्क्रीन इन होना है या रिकमेंड होना है तो सूटेबल यही है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करें. तो रीडिंग आप शुरू कर दें, और रीडिंग में मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी लास्ट डेज में कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप यू नो कोई बुक पढ़ने लगे या करंट अफेयर्स पढ़ने लगे. आई विल सजेस्ट कि आप अपने SSB से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, गैदर करिए एंड पढ़िए. उससे क्या होगा कि आपको SSB की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. नाउ बहुत सारे सोर्सेज में आपको SSB इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, लेकिन आप सबके पास टाइम कम है क्योंकि, और आपको क्वालिटेड मटेरियल चाहिए, तो हमारे पास एक गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें आपको SSB से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी. इसमें क्या होगा, इनिशियली जैसे आपको कोई नॉलेज नहीं है SSB के बारे में, तो वीडियो लेक्चर्स को आप जब एक एक करके गो थ्रू करेंगे तो हर टेस्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. उसके बाद उन टेस्ट से रिलेटेड आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिखाए गए हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस उन टेस्ट में पूछे जाते हैं विद आंसर्स. देयर आफ्टर कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप ट्राई कर सकें एंड कॉपी कर सकें कि किस तरह के आंसर्स आपको लिखने हैं बेस्ड ऑन द सैम्पल क्वेश्चंस जो आपने देखा है. और इन क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं दैट आर इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, फॉर एग्जांपल मोर देन 5000 प्लस OIR एंड OLQ के बुक पैकेजेस का कंपाइलेशन है हमारे पास, मोर देन 1000 एंड 500 प्लस स्टैट्स एंड वैट्स के कंपाइलेशन है हमारे पास, तो विच आर मोर देन इनफ. मतलब अगर आपके पास कोई और मटीरियल है तो डेफिनेटली आप उसको रेफर कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं होता है शॉर्ट डेज जब आपके पास होते हैं कि मटेरियल को गैदर करना, प्रिपेयर करना. तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो इजीली आप चाहते हैं कि आपको एक जगह सारे कंपाइल मटेरियल अवेलेबल मिल जाएं, और साथ ही पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 लेवल पे मिलता रहता है जहां पे आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम बता सकते हैं. जैसे किसी कैंडिडेट की साइकोलॉजी में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हर कैंडिडेट का अपने स्ट्रेंथ्स एंड अपने वीकनेसेस होते हैं. तो ये सारा गाइडेंस आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिलता है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द रेगुलरिटी एंड प्रैक्टिस. तो ये मोस्ट प्रॉब्ली यू नो आप खुद अपने आप को मेजर कर सकते हैं, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर्स. की प्रेपरेशन करने के लिए हम एक दिन सोचते हैं, हम प्लान बनाते हैं एंड नेक्स्ट डे उसे फॉलो करते हैं, उसके नेक्स्ट डे वो चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं. तो डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड रेगुलरिटी इज समथिंग जो आपको इस प्रिपरेशन में ध्यान रखना है. टाइम मैनेजमेंट इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको इसमें देखना है, क्योंकि SSB इज ऑल गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट. जितना अच्छा आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, जितना कम से कम टाइम में आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी. सो डिपेंडिंग अपॉन योर एंट्री आपके क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ भी वेरी करते हैं. तो इंटरव्यूज़ उस पर भी वेरी करते हैं कि आप किस तरीके से आंसर देते हैं या रिप्लाई करते हैं क्वेश्चंस का. एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस आर डिपेंडिंग अपॉन योर एंट्री, कि आप ग्रेजुएट लेवल एंट्री हैं, आप नॉन टेक्निकल एंट्री हैं, आप टेक्निकल एंट्री हैं, तो उस तरह से भी कुछ आपको बैकग्राउंड नॉलेज अपने सब्जेक्ट के होने चाहिए. अगर आपको और डिटेल में गाइडेंस चाहिए इस पर्टिकुलर एंट्री को लेके, तो आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप. वहाँ पर आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आपको वन गो में कंपाइल्ड मटेरियल मिल जाएगा. तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं. मैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स की कमेंट सेक्शंस में आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और बहुत ही जल्द मैं एक फ्री सेशन भी आप सबके लिए करूँगी जहाँ पे डाउट्स एंड क्वेरीज मैं एड्रेस करूँगी. तो मे बी इन अ डे एंड टू आई विल अपडेट यू ऑल फॉर द फ्री सेशन, एंड एक लाइव स्ट्रीम करके हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे जहाँ पे मेजरली हम अपने डाउट्स आप सबके क्लियर करेंगे. सो आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद.